जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में इस वीडियो में आप सभी दोस्तों के लिए लेकर आ गया हूँ विशेष संस्कृत जी हाँ विशेष संस्कृत आदर्श प्रश्न पत्र हाई स्कूल परीक्षा 2021 हज़ार इक्कीस बाईस जी हाँ दोस्तों यह परीक्षा जो है संस्कृत का रियल पेपर जी हाँ संस्कृत का एकदम रियल पेपर आ गया है और आदर्श प्रश्न पत्र हाई स्कूल इक्कीस बाईस वालों के लिए आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल पूर्णांक रहने वाला अस्सी और समय मिलेगा आपको तीन घंटे तो निर्देश भी दिए गए हैं सर्वे प्रश्न अनिवार्य यानी सभी प्रश्न अनिवार्य है दूसरा दिया गया प्रश्नानाम सम्मुखे अंक प्रदत्ता यानी प्रश्न सभी प्रश्नों के सामने उसके अंक दिए गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि निर्देश भी दिया गया है तो चलिए हम बिना समय गवाए अपने प्रश्न वन पर चलते हैं प्रश्न वन आप देख सकते हैं उचितम विकल्पम चित्वा लिखत उचित विकल्प का चुन कर लिखना है आपको उचित विकल्प यानी चार आपको ऑप्शन मिलेंगे उसमें से उचित देखना है और आपको लिखना है तो का नंबर दिया गया है गत्वा इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्तनी गत्वा जो पद है इसमें कौन सा प्रत्यय है गत्वा में कौन सा प्रत्यय है तो आपको बता दें चार ऑप्शन दिया गया है कृत्वा तुमुन त्वाप तो आपको चार ऑप्शन में से एक को टिक करना है तो चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं इसमें एक राइट आंसर हो जाएगा कृत्वा जी हाँ कृत्वा इसका राइट आंसर हो जाएगा तो आप इसको इम्पॉर्टेंट लीजिए का नंबर को इम्पॉर्टेंट एकदम समझिए क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ख नंबर देखिए तुमुन प्रत्ययुक्तम पदम अस्ति तुमुन प्रत्ययुक्त में कौन सा पद है यानी तुमुन शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो देखिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं हस्तिमान हस्तवान हसी तुम हसीित्वा हसीता इसमें से चार ऑप्शन में से सिर्फ एक राइट है इसको आपको सोचना है तो चलिए हम इसको बता देते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन था इसका राइट आंसर हो जाएगा हँसी तुम जी हाँ हँसी तुम इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर का ग नंबर को बता दें आदाय इत्यस्मिन पदे प्रत्यह अस्ति यानी अदाय में कौन अदाय पद में कौन सा प्रत्यय है तो इस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अदाय में जो होता है आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं अदाय में जो होता है इसका राइट आंसर हम बता दें कि जो तीसरा देख सकते हैं लेप जी हाँ लेप एकदम राइट आंसर हो जाएगा वन के घर देखते हैं गता इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ते यानी गता में कौन सा पद यानी गता प्रत्यय में कौन यानी गता पद में कौन सा प्रत्यय है तो चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं तो आप देख सकते हैं कि चार ऑप्शन दिए गए इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा कत हो जाएगा जी हाँ एकदम राइट आंसर कत हो जाएगा तो चार वन के घाव आप समझ गए होंगे अब चलिए वन के अंग को देख लेते हैं वन के अंगा को आप देख सकते है। être, पदम, हैं अयम वीरा अयम बाल का वीरा इतमी वाक्य विशेष पदम आते एम बाल का वीरा में आपको विशेष पद ढूंढना है विशेष पद होता है मतलब उसका मेन पद मेन पद आपको ढूंढना है मेन पद आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा मेन पद का चलिए हम बता देते हैं इनका मेन पद क्या हो जाएगा यह बालक वीर यानी यह बालक वीर है तो चलिए हम इसका मेन पद ढूँढते हैं इन मेन पद देखते हैं बालक का क्या है बालक इसका मेन पद यानी विशेष पद हो जाएगा यानी विशेष क्या मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए देखिए क्रुद्ध सिंह वने वसती अस्मिन वाक्य विशेषणम पदम किम अस्ति इसमें विशेष पद ढूंढा है इसमें का विशेष पद क्या हो जाएगा थर्ड नंबर सिंघा जी हाँ सिंघा एकदम राइट आंसर हो जाएगा तो आप पहले का एकदम स्क्रीन ले सकते हैं इसमें का हम पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दें इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था पहले का गा घा अंगा और चाय एकदम इम्पॉर्टेंट थी इसको एकदम रट लीजिएगा इसको भी आप एक स्टार दे सकते हैं ये भी आ सकता है लेकिन जिसमें हम गोला लगाओ एकदम तीन स्टार के लायक हैं तीन स्टार एकदम राइट आंसर एकदम मतलब एक 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 मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम आ सकता है आपके पेपर में जी हाँ आपके पेपर में आ सकता है तो चलिए मरते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर दूसरा क्वेश्चन आपका सामने देख सकते हैं कि रिक्त स्थान आनी पूर्ता है रिक्त स्थान की पूर्ता करना है तो आपको का नंबर मिलेगा सलीलम इतस्य पर्याय पदम अस्थि यानी सलील सलील माना जानते पानी होता है इसका पर्यायवाची शब्द कौन है आपको दो ऑप्शन दिए गए नीर और शरीर इसमें आपको पर्यायवाची पानी का यानी शरीर का ढूंढना है तो आप जानते हैं नीर माने पानी, पानी होता है इसका शरीर का जो हो जाएगा राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा नीलम क्या हो जाएगा नीलम शरीरम का क्या हो जाएगा नीलम खान नंबर देख सकते हैं पवना इत्य पर्याय पदम यानी पवन में पवन शब्द में पर्यायवाची आपको ढूंढना है पवन पवन मान क्या होता है वायु पवन मान क्या होता है हवा वायु जिसका क्या हो जाएगा राइट आंसर वायु हो जाएगा पर्यायवाची तो आप समझ गए क्या हो जाएगा वायु हो जाएगा दूसरा का देखते हैं सुकर्म इत्य विलोम पदम इन सुकरम में विलोम पद कौन सा है सुकरम में विलोम पद कौन सा है एकदम इम्पॉर्टेंट जी हाँ एकदम इम्पॉर्टेंट नंबर सुकरम में कौन सा विलोम पद है सुकरम माने क्या होता है अच्छे कर्म दुर्वाम क्या हो जाएगा दुर्भम हो जाएगा इसका राइट आंसर दूरबहम आपको बता दें घर नंबर है अतस्य अत विलोम पदम यानी इसमें इसमें विलोम पद ढूंढना है हूँ अतस्में अतस्मय यानी क्या होता है अस्थ होना अत, लिखा भी है अस्थ तो अस्थ होना यानी उदय होना तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा उदय क्या हो जाएगा उदय आपको बता दें एकदम ये तीनों में से एक आने वाला है तीनों में से तीनों में से एक आई एम पी यानी तीनों में से कोई भी आ सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें एक आ सकता है और ए आ सकता है ए आ सकता है एकदम रट के जाइएगा ए भी आ सकता है लेकिन एक स्टार के लिए लायक है तो कृषकाया असीत कृसकाया था कहा था अभियुक्ता था क्या अभियुक्ता था चौरा असीत चौरा क्या था आर था क्या था आर था वाची भावेद वाची हुआ वक्रता हुआ इनमें का पहला पहला ही सही हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे के कौन कौन इंपॉर्टेंट हो सकता है दूसरे का सभी इंपॉर्टेंट है सभी इम्पॉर्टेंट सभी हमने इंपॉर्टेंट ही रखा है तो आप समझ सकते हैं कि कौन कौन इम्पॉर्टेंट है तो आप दूसरे का भी समझ गए होंगे द राइट आंसर यदि आप लोग इसका पी पाना चाहते हैं या रियल पेपर का पी पाना चाहते हैं किसी भी प्रकार की पी पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल डिजिटल अकाडमी क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हुआ है तीसरा आप देख सकते हैं युग्म मेलनम कुर्त यानी युग्म मेलन करना है तो आप देख सकते हैं बालके बालके क्या होता है बालके जो होता है हमारा सप्तमी व्यक्ति होता है जी हाँ बालके सप्तमी व्यक्ति तो इसका सप्तमी व्यक्ति बालके हो जाएगा लतया लतया क्या होता है हमारी होती है लतया जो होती है हमारी वो होती है हमारी तृतीया व्यक्ति जी हाँ तृतीय व्यक्ति लतया होती है तो जो होता है हमारा हम सही से आपको मिला दे ताकि आपको स्क्रीन शाट लेने में दिक्कत ना हो सप्तमी व्यक्ति लतया जो है हमारी तृतीया व्यक्ति आहम आम क्या प्रथमा व्यक्ति तो कुछ सब जानते होंगे तव तव क्या है तव हमारी है तव जो हमारी हो जाएगी तव जी हाँ तव जो हो जाएगी हमारी आप देख सकते हैं षष्ठी व्यक्ति तव क्या है षष्ठी व्यक्ति जी हाँ आप सही शायद आप टिक लगाएंगे षष्ठी व्यक्ति प्रहार्या प्रा इसमें लगा है तो उपसर्ग क्या हो जाएगा प्रा उपसर्ग प्रा उपसर्ग उपसर्ग जानते हैं ना उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगते हैं और क्या होता है प्रत्यय प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं तो इसमें प्रा हो जाएगा अब देखिए अपवादाह अपवादाह अब इसमें क्या हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा प्रवाद यानी अब क्या हो जाएगा इसका उपसर्ग हो जाएगा अब क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा हमारा तो आप समझ सकते हैं कौन हम कौन किसको हमने किसको मिलाया है तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका स्क्रीन शार्ट लीजिए तो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं तो स्क्रीन शार्ट ले लिए होंगे तो इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दें कि पहला इम्पॉर्टेंट अहम इम्पॉर्टेंट और प्रहार अपवाद और ए और ए में से कोई एक यानी सभी इम्पॉर्टेंट ने यहाँ पर ले रखा है इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी तरह वीडियो पाने के लिए यदि आप लोग यदि इस समय दस में हैं तो ग्यारह में जाएंगे बारह में जाएंगे सभी का हम इम्पॉटेंट क्वेश्चन देते हैं और रियल पेपर देते हैं इसलिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तो चलिए हम चौथा देख लेते हैं चौथा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें से आपको डाइट सात नंबर मिलते हैं जी हाँ एकदम डाइट सात नंबर मिलते हैं वध धातु लट लकार से मध्यम पुरुष से बहुवचन लिखत यानी वध धातु तो का लट लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन लिखना है आपको तो वध धातु का क्या हो जाएगा वध धातु का हो जाएगा वधत्त क्या वधत। हो जाएगा वधत आप देख लीजिए क्या लिखना है हमें वधत्त एकदम राइट आंसर हो जाएगा वधत्त पहले का आप चौथक का मिला लीजिएगा वधत हो जाएगा आप मेरे साथ लिखिए खा नंबर क्या हो जाएगा अस धातु लट लकार से प्रथम पुरुष से वचन एक वचन हम लिखा यानी अस धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन लिखना है जो कि आप लोग जानते होंगे यदि आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएगा इसका हम आंसर नहीं बताने वाले जी हाँ इसका आंसर नहीं बताने वाले इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है यदि आप लोगों को आता है तो लिखिएगा जी हाँ यदि आप लोगों को आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यदि नहीं आता है तो डायरेक्ट आंसर पूछेगा मैं डायरेक्ट आपका रिप्लाई दे दूंगा आंसर का तो चौथे का जो खा है आपको आंसर लिखना है कंटबॉक्स में गा देखते हैं लब धातु लट लकारा से उत्तम पुरुष से वचन बहुवचन लिख लब धातु का लट लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन लिखिए लभ धातु जी हाँ लब धातु का क्या होता है लाभ महे लाभा महे क्या होता है उत्तम पुरुष का बहुवचन जी हाँ लभ महे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा घ देखिए गछति क्रियापदे का धातु लिखत यानी गछाति में क्रियापद में कौन सी धातु है उसको लिखिए तो देखिए गछति में गम धातु होती है क्या होती है गम धातु इसको लिख लीजिए आप गम धातु इसका जो है घ का लिख लीजिए गम धातु गम धातु तो चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं यानी घ नंबर देख लेते हैं सदाचारा एव परमो धर्मा अस्मिन वाक्य अव्यम किम इसमें क्या बताना है हमको इसमें बताना है अवयव बताना है अव्यम सदाचार और परमोधर्म में क्या बताना है अव्यय अव्यम आप जानते हैं अव्यम क्या होता है जानते हैं कौन तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एकदम जिसका हम पूछें एकदम राइट आंसर बताइएगा ताकि वो आपको आता है या नहीं आता आप खुद जान सकते हैं तो चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं सदाचार और परमोधर्म में क्या हो जाएगा सदाचार एवं परमोधर्म अवयव जो होता है इसको छोड़िए और इसको छोड़िए जो शब्द यहाँ पर बचा है वही हमारा क्या हो जाएगा अव्यम क्या हो जाएगा अव्यम यानी मेन पद को छोड़िए जो खाली बीज में बचा है वही हो जाएगा तो अव्यम क्या हो जाएगा एव एव पद क्या हो जाएगा अव्यम देखिए चार नंबर दिया तत्र विद्यालय अस्थि यानी तत्र वह विद्यालय अस्थि था इसमें अव्यय पद ढूंढना है अवय पद इसमें भी मेन पद को छोड़िए जो पद बचे वही अवय पद हो जाएगा अवय पद हो जाएगा इसी इसमें यह होता तो इसमें क्या हो जाएगा तत्व हो जाएगा उसी तरह छः नंबर देखिए अथ कथा आरंभ इसमें भी अव आव, अवयव पद ढूंढना है तो देखिए इसमें भी मेन पद को छोड़िए अथ जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा तो देखिए ट्रिक भी हम बता देते हैं कहीं कहीं और कहीं कहीं आपको रटाते भी हैं तो आप रटते भी चलिएगा और टिक भी सीखते चलिएगा और यदि आप लोगों ने अभी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो चलिए इसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे चलिए हम सबको बता देते हैं कौन कौन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो पहला एकदम रट लीजिएगा आप इसको इसको रट लीजिएगा जितने अब्बे वाले हैं इसको रट लीजिएगा और लभ धातु को गति वाला इन्हें सभी इम्पॉर्टेंट है सभी हमारे इम्पॉर्टेंट ही हैं तो सभी सबका इंपॉर्टेंट आप लड़ लीजिए इसकी स्क्रीन शॉट लीजिए जी हाँ इसके स्क्रीन शॉट ले लीजिए और सब सबका रट लीजिएगा तो चलिए हम पचवें क्वेश्चन में मूव करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको यदि आप कर लेते हैं छः नंबर मिलते हैं जी हाँ एकदम छः नंबर आपके पक्के हो जाते हैं तो प्रश्न को हम पढ़ते हैं प्रश्न को पढ़िएगा शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम देखिए शुद्ध वाक्य के, के लिए आम शब्द जो आपको ढूंढना है क्या आम लिखना है आम ऐसे और देखिए अशुद्ध वाक्य नाम समम यानी अशुद्ध वाक्य के सामने जो अशुद्ध हैं उनके आगे लिखना है ना क्या लिखना है ना तो आपको जहाँ पर सही लगे वहाँ पर क्या लिखना है वहाँ पर लिखना है आम और जहाँ पर गलत लगे जहाँ पर क्या लगे गलत लगे वहाँ पर लिखना है आपको ना तो आप समझिएगा एकदम इम्पॉर्टेंट है ना और आम लिखना है तो समझिएगा का नंबर विद्यालय इतमिन पदे दीर्घ स्वर्ग संधि अस्थि यानी विद्यालय में कौन सी संधि आपको ढूंढना है ये बोल रहा है दीर्घ संधि है देखिए हम समझते हैं विद्यालय में कौन सी संधि है विद्यालय आप समझिए विद्या प्लस आलय क्या इसको इसको आप विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा ए जो है इतना विद्या अलग और आलय अलग नहीं विद्या प्लस आलय जब दीर्घ संधि क्या होता है ई आ और आ मिलकर बड़ा बनाते हैं छोटे छोटे मिलकर बड़ा बनाते हैं तो उसे दीर्घ संधि बोलते हैं दीर्घ मतलब बड़ा होना तो इसी का जो क्या है एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा दीर्घ संधि है तो इसमें सही नहीं लिखेंगे सही है पद तो, तो सही है लेकिन इसमें सही नहीं लिखने वाले हैं जी हाँ तो आप बोले कि क्या लिखने वाले इसमें लिखा गया ना आम लिखना है तो सही की दर पर हम क्या लिखना है हमको लिखना है क्या आम लिखना है क्या लिखना है आम लिखना है पहला क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा देखिए खा नंबर क्या है मनोरथा कि तस्मीन पदे व्यंजनन मनोरथ में कौन सी व्यंजन संधि है क्या व्यंजन संधि है क्या व्यंजन संधि नहीं मनोरथ में कहाँ व्यंजन संधि है तो क्या है गलत हो जाएगी क्या हो जाएगी गलत हो जाएगा ना लिख देंगे आप डर ना लिखेंगे देखिए नंबर जगदीश जगदीशा इतस्मिन पदे व्यंजन संधि ना असति इसमें देखो बोला कि जगदीश पद में व्यंजन संधि नहीं है क्या व्यंजन संधि है भाई जगदीश में व्यंजन संधि है यदि आप लोग पढ़े होंगे संधि तो आपको पता होगा कि व्यंजन संधि है कि नहीं तो व्यंजन संधि इसमें बोल रहा नहीं है तो क्या गलत लिखा है तो ना इसमें लिख देंगे सामने ना क्या लिख देंगे ना तो आप तीन का एकदम समझ गए होंगे चौथक देख लेते हैं हम चौथक समझिए चौथक राजपुत्र राजपुत्र इतस्मिन पदे तत्पुरुषम इसमें तत्पुरुष समास है तत क्या बोल रहा है राजपुत्र में तत्पुरुष समास है तत्पुरुष तत में क्या होता है इसका आगे हम समास विग्रह करते हैं राजपुत्र लिखा है ना यानी कि राज का पुत्र राजा का पुत्र क्या राजा का पुत्र राजा का पुत्र नहीं राजपुत्र राजा का पुत्र नहीं राजपुत्र राज जब का आता है तो कहाँ पर क्या होता है तत्पुरुष समाज तो चौथा क्या हो जाएगा तत्पुरुष समाज हाँ है तो क्या लिखेंगे सही नहीं सही नहीं लिखेंगे लिखेंगे आम क्या लिखेंगे आम तो आम लिख दिए आप समझिए अब अगला क्वेश्चन यथाशक्ति यथाशक्ति इतन पदे अव्यय भाव अस्ति यथाशक्ति इसके दिन विच्छेद करेंगे समास विच्छेद करेंगे कि शक्ति के जैसे क्या हो जाएगा शक्ति के जैसे या शक्ति जैसा शक्ति के जैसे तो जैसा जैसी जिसमें आता है वो अव्ययी भाव समास होता है तो यथा शक्ति क्या हो जाएगी अव्ययी भाव समास यथा के शक्ति शक्ति की जैसे तो आप समझिए इसका क्या हो जाएगा सही है एकदम जो लिखा है एकदम सही है लेकिन आपको यहाँ पर सही नहीं लिखना है आम लिखना है जी हाँ आम लिखना है जो भी शब्द सही है उसमें आपको आम लिखना है यदि आपको पढ़ाई समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चलिए अगला देखते हैं चार नंबर चार नंबर देखिए पंचवटी पंचवटी इतमिन पदे द्वंद्व समास अस्ति पंचवटी में द्वंद्व समास है गलत बात लिखा है ना द्वंद्व समास नहीं है यानी क्योंकि इसमें पंच दिया है क्या दिया है? पंच अक्षर दिया है जब अक्षर दिए रहते हैं तो कौन सा समास होता है यानी अंक दिए रहते हैं तो कौन सा समास होता है यदि आप लोगों को नहीं पता है यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में जब आप पूछेंगे तो हम उसका रिप्लाई दे देंगे तो आप पाँच कच्चा नंबर का एक या द्वंद समास नहीं है तो कौन सा समास है इसको आपको बताना है इस क्या हो जाएगा ना हो जाएगा क्योंकि गलत लिखा है ध्वंद समास नहीं है तो आपको पंचवटी में ढूँढना है कौन सा समास है चलिए हम आपको दे देते हैं ऑप्शन भी देते हैं कौन सा सही हो सकता है तो ऑप्शन देते हैं बहुव्रीहि समास पहला बहुव्रीहि समास बहुव्रीहि समास दूसरा द्विगु समास द्विगु समास तीसरा जो है हमारा तत्पुरुष समास तत्पुरुष समाज तीसरा चलिए तीन ही ऑप्शन दिए इसमें से आपको कौन राइट आंसर चौथा भी ले लीजिए द्वंद्व समाज तो इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको जो है काउंट बाक्स में बताना है या आप ऑप्शन भी देकर बता सकते हैं कि दूसरा या पहला जो भी आपको सही लगे आपको बताना है आप लोग पढ़े होंगे यदि नहीं आता है तो बोल दीजिएगा नहीं आता है तो हम आपको डैड उसके आपके रिप्लाई दे देंगे कमेंट बॉक्स में तो इसलिए आपका पाँचवा जो है एकदम हमने पूरा करा दिया है एक से लेकर पाँच तक हमने पूरा करा लिया है यदि आप लोगों को स्क्रीन लेना है तो चलिए आपको स्क्रीन दे देते हैं तो देखिए स्क्रीन ले लीजिए आप यहाँ से लीजिए आप शुरू से पहला देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ये देखिए पहला है यहाँ पर देख सकते हैं पूरा आप स्क्रीन लेते चलिएगा दूसरा देखिए क्वेश्चन दूसरा दूसरा यहाँ पर है ले लीजिए तीसरा यहाँ पर है चौथा यहाँ पर है आप लेते चलिए पाँचवा यहाँ पर है लेकिन दोस्तों हम आपको पांच तक ही कराएंगे यदि आप को लोगों को अगला भी चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न देख सकते हैं एकदम पूरा प्रश्न देख सकते हैं यदि आप लोगों को नहीं यानी आ... आता है यदि यह आप यहाँ यह पर दस हज़ार लाइक करा देंगे जी हाँ दस हज़ार लाइक करा देंगे तो इसका पूरा आंसर पूरा ऑल टू ऑल पूरा एकदम ट्रिक से समझाएँगे हटाएँगे पूरा हटा देंगे दस आप एकदम लाइक पहले टारगेट पूरा करें तभी इसका हम पार्ट टू लेकर आएंगे इसलिए यदि दोस्तों आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो अब तो कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो अब ज्वाइन तो कर लीजिए तो क्योंकि वहाँ पर आपको रियल पेपर मिलेंगे रियल पेपर मिलेंगे और आई एम पी क्वेश्चन मिलेगा और क्या मिलेगा आपको अगले क्लास के लिए न्यू बैच भी चलाया जा रहा है न्यू बैच भी मिलेगा जी हाँ दोस्तों न्यू बैच जितने भी आप ग्यारह में पढ़ रहे हैं बारह में पढ़ें नौ में पढ़ें सभी के लिए न्यू बैच चलाया जा जाएगा इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा घंटी वाला बटन दबाना मत भूलेगा तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय जाए भारत भारत माता की जय